ये भीड़ कौन है? कौन है वो चेहरे जो भीड़ का हिस्सा है? ध्यान से देखिएगा तो हो सकता है किसी को इसमें अपना भाई दिखाई दे जाए, किसी को अपना दोस्त या फिर रिश्तेदार या फिर कुछ ऐसे भी हो जिसको अपना अक्स दिखाई दे जाए। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा इस भीड़ का हिस्सा बन जाए? शायद नहीं, हरगिज नहीं। तो कौन है जो आखिरकार इस भीड़ को राजनीतिक हिस्से में तब्दील कर रहा है? कौन है वो चेहरे, कौन है वो लोग जो उस मुद्दों को गौण कर रहे हैं जिन मुद्दों पर देश में चर्चा होनी चाहिए? बहस नहीं, चर्चा। क्योंकि आज जिस विषय को मैं लेकर आया हूं वो विषय ना हिंदू में बांटता है ना मुसलमान में बांटता है, ना जाति में बांटता है ना धर्म में बांटता है। धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर, कभी खाने के नाम पर तो कभी अजान के नाम पर देश में खबरिया चैनलों की बहस को देखकर शायद डाइनिंग टेबल पर, ड्राइंग रूम पर बैठकर आपको अभी खून खोल जाता होगा। भारत के कॉलेजों में पढ़ रहे 3,85,00,000 युवा छात्रों का भविष्य, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। जिस विषय को न्यूज वर्ल्ड इंडिया एक मुहिम की तरह आपके सामने लेकर आता है वो विषय खबरिया चैनलों का हिस्सा नहीं बनता। हम देश को क्या दे रहे हैं? जो युवा कुछ करना भी चाहते हैं वो रॉकेट की रफ्तार से युवा देश को छोड़ने वाले बच्चों की तादाद इस दौर में सबसे ज्यादा हो जाती है। कभी सोचा आपने, कभी सोचा आपने कि 2014 के बाद यह रफ्तार बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। हालात तो यह है कि देश के भीतर एजुकेशन सिस्टम धराशायी हो रहा है या हो चुका है। मैं किसी सरकार पर तोहमत नहीं लगा रहा, यह हालात पहले भी थे और यह हालात आज भी हैं। सरकार का 28% और 72% प्राइवेट हाथों में एजुकेशन सिस्टम, और प्राइवेट सेक्टर फ्री में क्यों पढ़ाएगा? आज मैं जिक्र एजुकेशन सिस्टम का कर रहा हूं जिसे हम इस बहस में उलझा रहे हैं कि देश आज कहां पर खड़ा है। कभी देश के भीतर इस विषय पर बहस होते हुए आपने नहीं देखा होगा। युवा आज हिंदुस्तान को छोड़कर विदेश में पढ़ाई करने को मजबूर हो जाते हैं। क्यों? कभी उन आंकड़ों को बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो न्यूज चैनल हैं, कभी उन आंकड़ों पर चर्चा करते हुए आपने उनको देखा? कभी देखा जो मेरा देश महान है, अमृतकाल में है, वहां के आंकड़े आपको हिला जाएंगे जिन आंकड़ों का जिक्र मैं आज करने वाला हूं। पढ़ाई करने वाले बच्चों की तादाद लाखों करोड़ों में और विदेश जाने वाले बच्चों की तादाद जो भारी भरकम फीस देते हैं और वो वापस आते भी हैं, और वो एजुकेशन सिस्टम, हम कहां उलझ रहे हैं? हम हिजाब पर उलझ रहे हैं, हिंसा पर उलझ रहे हैं, हम उस विवाद में उलझ रहे हैं जहां पर हम अपने बच्चों को कौन सा देश देकर जाएंगे, कौन सा देश जहां पर अजान और हनुमान चालीसा की लड़ाई और उस पर हम चर्चा करते हैं, एक तरफ हिंदू को बिठाकर एक तरफ मुसलमान को बिठाकर। जरा सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए कि हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। क्या युवाओं की मानसिकता पर असर पड़ रहा है जो युवा हाथ में झंडा उठाए नारे लगा रहे हैं, धार्मिक नारे दोनों पक्षों से,
इससे किसे फायदा? क्या वो युवा जिस युवा के हाथ में रोजगार होना चाहिए, वो युवा क्या इन बहसों से भटक नहीं रहा? बहुत अलग विषय पर चर्चा कर रहा हूं, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना सिख है ना ईसाई है, ना जाति है ना धर्म है, ना ओबीसी है। मैं छात्रों को ओबीसी और ये सब चीजों में नहीं देखता, छात्र छात्र हैं। मैं इस विषय को इसलिए लेकर आया कि मैंने देखा कि तमाम न्यूज चैनल्स पर एक गजब की बहस छिड़ी हुई है। वो कहते हैं कि रामनवमी पर तुमने क्या खाया, वो कहते हैं तुमने क्यों खाया, एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, सर फाड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, हाथों में हथियार लेकर लहरा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये मेरा भारत कहां जा रहा है, मैं इसलिए चर्चा लेकर आया। तो मैं आप ही से शुरुआत करूंगा गौरव जी, मेरा नया भारत। इन युवाओं को अगर आप देखेंगे तो 20 से लेकर 35 साल की उम्र के ये युवा हैं जो दिखाई देते हैं अक्सर तस्वीरों में, आज सड़कों पर हिंसा का हिस्सा बनते हैं। क्या आपको मेरी तरह डर लगता है इन तस्वीरों को देखकर कि मेरा भारत कहां जा रहा है इस अमृत काल में? जी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं डर लगता है। जनता के सुझावों के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने एक नई शिक्षा नीति की पूरी व्यवस्था का प्रारूप बना करके तैयार करके रखा, जिसमें लगभग 1.5 लाख सुझावों को भी शामिल किया गया। और मुझे उम्मीद है कोरोना काल यदि नहीं आया होता तो बहुत सारे उसके रिकमेंडेशन और उसकी व्यवस्थाएं लागू हो गई होती। गौरव जी, मेरा मुझे लगता है कि देखिए शिक्षा को, गौरव जी मेरा प्रश्न आपसे ये था कि ये जो तस्वीरें जो आ रही हैं सामने एक के बाद एक, कभी हिजाब को लेकर, कभी हलाल को लेकर, कभी वो लाउड स्पीकर को लेकर, अजान को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर, है ना सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश के युवा इस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। क्या ये तस्वीरें देखकर आपको बेचैनी होती है या नहीं होती है, मैं ये पूछ रहा था सर आपसे। मैं उसी पे आ रहा था, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिन युवाओं को आप भारत की तस्वीर बना करके दिखाने का या बताने का प्रयास कर रहे हैं, आज पूरे दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है स्टार्टअप देने वाला, हमारे देश के युवा ही वो काम कर रहे हैं। तो ये कौन है युवा, हमारा देश जो है, कौन युवा है? झूठी तस्वीरें दिखा रहा हूँ सर, पूरे दुनिया में टॉप 3 में भारत आता है और एजुकेशन ज्वाइंट के रूप में पूरे विश्व में देखा जा रहा है।